तो जी फाइनली मैं जिस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो किस तरह धक्काशाही करके आ गया, क्योंकि मैं कब से कोशिश करता कि इन दोनों को चैनल को धक्का स्टार्ट लगाऊं। मगर अभी हमें जो करना है वो ये कि इनकी एक पहली आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो हम शूट कर रहे हैं आज हैं सर, अपना पहला व्लॉग शूट करेंगे हाथ में कैमरा पकड़ के। तो इसीलिए इनका नया चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं, जब तक ये वीडियो आप देखेंगे इनका नया चैनल भी आ चुका होगा जिसका नाम चैटी एंड स्कैटी है। लिंक इस टाइम डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा लिंक भी, और जो इनकी फर्स्ट वीडियो जो अभी हम शूट करने लगे हैं ये बेसिकली उसकी बिहाइंड द सीन वीडियो है कि कैसे हम करेंगे। और सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है इंट्रोडक्शन एंड वी विल मेक श्योर, क्योंकि मैं जो अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ ना कि एक चैनल का दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा आप अपने हिसाब से शूट करेंगे और भाभी जी अपने हिसाब से एडिट करेंगे, ठीक है। नो इन्फ्लुएंस, मेरी कोई हेल्प नहीं है इसके अंदर, मैं बस मजे लूंगा। पहला शॉट हमने कुछ ऐसे प्लान किया, मतलब मैं तो शूट ही करूंगा क्योंकि वैसे ये ट्राइपॉड लगाएंगे जब मैं नहीं होऊंगा, मगर अभी दोनों ने इंट्रोडक्शन लेनी है चैनल के बारे में एंड अपने बारे में। करें शुरू? करो करो यहाँ पे तो स्कैटी डूड ऐसा है, वीडियो में देख लेना कैसा है, ठीक है। अच्छा, अरे वीडियो अच्छा आएगा, चलो ठीक है चल सुन। अभी तक निकला नहीं वो, मैंने बूंदी खाई थी जीशान के साथ ना, वो गाड़ी में रह गया, सॉरी। अब इनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, कॉम्पोजिशन आप देख ही रहे हैं सर, आप फोटोग्राफर रहे हैं बड़े जबरदस्त, तो आपको तो पता ही है कि कैसे कैसे करनी है। और पहला शॉट फिर भाभी जी इंट्रो कर रही हैं, तो अभी हो गया काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो याद रहा है, बहुत अच्छे फोटोग्राफर रह चुके हैं, लोग एक्सपेक्टेशन मत बढ़ा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वैसे ही फिर बाद में बोलेंगे लोग इतना बढ़िया फोटोग्राफर इतनी गंदी फोटोज, फोटोग्राफर रहा हूं मैं, वीडियोग्राफर नहीं। चलो कॉम्प्लेक्स में ही आ जाता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, दैट्स द रूल नंबर वन, यू हैव टू बी योरसेल्फ। ये हमारा छोटा सा घर 917 जो सबको पता है अभी तक। जी ये जो सेगमेंट देखा ना इनके ब्लॉग से मैंने उठा लिया, कॉर्पोरेट सेगमेंट भेज दियो। वजह ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट किस तरीके से करें, डिफरेंट डिफरेंट एंगल। मैं ये पेन नहीं लेता क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है वो जगह दिखाने का, एरिया दिखाने का, बट क्योंकि आप लोगों का लाइफ स्टाइल है तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि कॉम्पोजिशन का तो ये मस्त आना है सर। बाहर के इंट्रो शॉट्स करने के बाद हम अंदर आ गए हैं और अभी अंदर थोड़ी तैयारी हो रही है, भाभी जी पर्दे खोल रहे हैं ताकि लाइटिंग वगैरह सेट हो जाए। आज मैंने कमेंट देखा किसी ने कहा कि आप पर्दे नहीं खोलते क्या अपने घर में, पर्दों की प्रॉब्लम ही होती है, मैं ऐसे करूंगा तो सब काला काला हो जाएगा और आपको ऐसे दिखाऊंगा तो पर्दे नजर नहीं आएंगे, विंडोज इनके घर की इस तरफ है। बाकी यूट्यूब पे जो लोग फ्रीक्वेंटली देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनको ये पता होगा कि कोई भी नया चैनल शुरू होता है तो वो पहले दिन से मोनेटाइज नहीं हो जाता, और मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल होने के लिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होने बहुत जरूरी है और 4000 घंटों का वॉच टाइम, जो कि आई होप कि इतने हमारे सब्सक्राइबर तो है ही प्यार करने वाले जो 1000 पूरे हो जाएंगे और इनके चैनल पर जाके अभी इनको सब्सक्राइब कर देंगे और हम इनका चैनल मोनेटाइज करवा पाएंगे, जिसमें तकरीबन 1 महीने का टाइम लगता है। और इसी दौरान, इस 1 महीने के दौरान, मैं अभी 15 दिन बाद दिवाली वगैरह सेलिब्रेट करके क्यूबा का चक्कर लगाऊंगा और वहां से जब तक वापस आऊंगा तब तक भाभी जी को जो मैंने एडिटिंग का कोर्स बताया भाभी जी वो कर लेंगी, ये शूटिंग के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के मतलब इनकी नॉलेज अच्छी है, कहने का मतलब है कैमरा हैंडलिंग हो गई या फिर एपर्चर एक्सपोजर आईएसओ ये सब पता है, और भाभी जी को फ्रेश को दे देंगे ये लोग, भाभी भाभी जी करे एडिटिंग भी वो करे, शूटिंग में आऊंगा देखूंगा। देखो लेडीज हैव टू टेक चार्ज नो इन सम थिंग्स, तो इसीलिए भाभी जी को मैं एडिटिंग की जिम्मेवारी लगा रहा हूँ और इनको मैंने कोर्स बता दिया, लिंक्डइन लर्निंग का वो कोर्स है जो मैं अपनी एडिटिंग वीडियोस में बोलता हूँ, फाइनल कट प्रो आप यूज करोगे भाभी जी? मैं ही करूंगी, प्रीमियर प्रो तो नहीं फाइनल कट प्रो, ये आपको लग रहा है कि आप ज्यादा करोगे जैसे ही आपने शुरू किया और थोड़ा हाथ वाथ बैठा ना देख लेना पूरी ट्रिक्स है, ये भाभी जी का स्टाइल है क्योंकि उनको पता है कैसे काम करवाना है भाई से, तो बाद में साथ में ये भाई सब ज्वाइन कर लेंगे, ये बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। ओके या दैट्स वेरी गुड, भाई साहब का आइडिया बड़ा जबरदस्त है। ओ हाँ, ये हाथ से कॉम्पोजिशन को भाभी जी का फेस छुपा लिया इसने, वैसे तो ज्यादा पीछे कॉम्पोजिशन में आवाज आनी चाहिए इसकी, पानी ये तू पीछे में बोल रहा है। सॉरी सॉरी।
भाभी जी फिर कैसी फील आ रही है पहला व्लॉग शूट करने में? मुझे तो डर लग रहा है, सन्नी तो रॉक कर रहा है, उल्टा ही लग रहा है। कल भाभी जी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे थे, मैं लगा था ये नहीं कर पाएगा। भाई तो फुल ऑन अपना डायलॉग डिलीवरी बढ़िया चल रही है, कॉम्पोजिशंस में तो किल कर रहा है एकदम। मैं तो हिंदी में अटक रही हूं, पंजाबी बोल रहे क्योंकि भाभी जी की फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो पंजाबी है, तो टोन जो नेचुरली इनकी निकलती है पंजाबी निकलती है। कोई बात नहीं, पंजाबी बोल अब ऐसे करेंगे क्योंकि हम जो माता जी अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि ये पंजाब वाले पंजाबी है, हम दिल्ली वाले पंजाबी है। वैसे हम बोल लेते हैं उस डिग्री की, बट फर्स्ट लैंग्वेज हम लोगों को हैबिट ही ऐसी है कि मुंह से पहली हिंदी निकलती है, क्योंकि स्कूल हिंदी मीडियम वगैरह पढ़े हैं सब। और क्योंकि भाभी जी जो है अपना कहाँ से, पंजाब से, पंजाब किधर है, मुकेरियां, मुकेरियां गांव से हैं, तो इसलिए वहां पे तो अपना बिल्कुल आपको पता ही है फर्स्ट लैंग्वेज। चाहे आपस में किसी से बात भी करनी हो, टीचर से भी करनी हो, अगर प्राइमरी एजुकेशन लैंग्वेज के अलावा, तो वो भी पंजाबी में होती है। मुकेरियां गांव नहीं है, किसी ने कमेंट भी किया था, पिंड तो पिंड गांव है, शहर है। ये देखो दिल्ली वाले पंजाबी, पिंड ही है, पिंड और गांव एक ही चीज होती है। बाकी घर में सारे हिंदी बोल रहे हो ना, खुद पंजाबी वाले हिंदी निकल रहे हैं। मैं तो देख के आई हूँ ना। नहीं वो तो ठीक है, मुकेरियां तो शहर है, मगर आप जहाँ पे रहते हो वो मुकेरियां के साथ कोई पिंड लगता है ना उसमें। हाँ तो इसीलिए मेरे मुंह से पिंड निकलता है, कहने का मतलब है मुकेरियां शहर उसके साथ वाला पिंड। बाकी जी स्टाइल थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, कपल्स की लीनिंग हो गई, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग हो गई, ये तो सारी चीज़ें अपने आप में डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू माय चैनल। बट एक जो मेन चीज़ मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो गलती मैंने करी थी उसमें मत पड़ना, वो ये है कि एडिटिंग के अंदर पूरी जान मार दो। और वैसे भी दूसरी बात यह है कि आप लोगों को एडिटिंग में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, कर भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों की फुल टाइम जॉब्स भी हैं, सारा का सारा टाइम उसी में चला जाएगा। तो इसीलिए, और जब आप परफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना अननेसेसरली, तो उसमें टाइम भी बहुत जाता है और आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हो, और फिर उसका रिजल्ट अगर 1% भी आपकी एक्सपेक्टेशन के नज़दीक ना आया तो आप डीमोरलाइज ज़्यादा होते हो, क्योंकि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं तो वैसे नहीं करता। बनेगा जो ज्यादा मेहनत नहीं करता, जो ज्यादा मेहनत करते हैं मेरा खजल ख्वार हो जाते हैं। बाकी मैंने कहा जी वीडियो शूट बनती रहेगी थोड़ी, साथ साथ पेट पूजा चलनी जरूरी है, क्योंकि आज डबल काम हो रहा है, दो दो वीडियो शूट कर थोड़ी भूख ज्यादा लग रही है। तो भाई साहब को मैंने कहा जरा काम पे लगाया, थोड़ी बढ़िया सी स्मूदी स्मूदी बनाओ। क्या बना रहे हो सर? स्मूदी। स्मूदी कौन सी वाली भाई? हमने को एक आती बनानी, जैसे कि ओहो ये आती है जी फ्रोजन बेरीज, यहाँ पे बंदा ले आता है, और ये स्ट्रॉबेरी, ये बढ़िया टी टॉप्स करने के लिए, लो जी आम, सारे के सारे यहाँ पे जो है ना ये सब्जियाँ, और सब्जियाँ कह रहा हूँ फल जो है फ्रोजन मिल जाते हैं। ये क्या एवोकाडो, एवोकाडो भी डालेगा? लो जी सारा कुछ कटा कटाया। और ये जब हम छोटे होते थे ना तो पापा वो लेके आते थे, मम्मी जो मटर नहीं आता था सफल के छिले हुए, है ना, फ्रोजन मटर, मेरे को देख के बड़ा मजा आता था कि कोई भी पैक होके मटन आया छिले चलाए, कि मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो मटर आया करते थे हमारे घर में। तो वैसी सही ये हिसाब किताब है यहाँ पे। ये क्या है? पालक। पालक जमी, पालक भी फ्रोजन जमी हुई, सारा का सामान। क्योंकि यहाँ पे ना होता यह है कि जिस काम के अंदर मैनुअल चीज़ इन्वॉल्व हो जाए उसमें थोड़ी सी लेबर बढ़ जाती है, तो अगर आप बाहर स्मूदी लेने जाएंगे तो $10-$10 की स्मूदियाँ मिलती हैं, 500-600 रुपए की। केल है? नहीं, केल अलग है, पालक है, पालक। तो इसीलिए यहाँ पे ये ना इंडस्ट्रियल कटे हुए होते हैं, क्योंकि जो फ्रूट वगैरह होते हैं ये यहाँ पे इंडस्ट्री में डाल देते हैं, उसमें वो छिल जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसमें मैनुअल लेबर कम पड़ती है, तो ओवरऑल, और ये इम्पोर्ट होकर आ जाते हैं, फ्रोजन होते हैं तो डायरेक्टली, इसलिए ये चीज़ें ओवरऑल सस्ती पड़ जाती हैं फ्रोजन खाना यहाँ पे। हाँ, इट इज़ नॉट एज नाइस एंड न्यूट्रिशियस एज फ्रेश फूड, और फिर भी काम मिल जाता है। क्यों सर? तो बाबू जी बना रहे हैं स्मूदी, ये ले लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी शूटिंग आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा पॉज कर दिया, मगर फ्रेश फ्रूट भी कट ही रहे हैं, क्योंकि माता जी कह रही है मैं हूँ तो कुछ तो काटूंगी, मुझे भूख भी लग रही है। अच्छा, मम्मी कीवी खाएंगी? है कीवी? मेरे लिए ये फायदेमंद है ना। क्यों? पता नहीं, कहते हैं शुगर के लिए भी अच्छी है। अच्छा, बीपी के लिए भी अच्छी है कहते हैं, वह हम यहाँ जो सुना है कहते हैं ठीक है। मैं हम तो वैसे ही, मेरे को तो जो चीज़ पसंद हो मैं उसके लगाता हूँ, सुना है कि अच्छी है। Thank you.
ये क्या आइटम है? चिया सीड्स। चिया सीड्स? अबे ये स्मूदी बनाई है कि पेस्ट बनाई है तूने? चम्मच में आता है खाने में इसको। यार ये तो हलवा बन गया है। मम्मी ये लो स्लश वाली आइसक्रीम। ठंडा ठंडा वो आइसक्रीम। आइसक्रीम ही है, लाओ मेरे को दे दो, मैं तो खाऊं। तू खा, मैंने मेरा मत डालना। ओके। ऐसे हमारी फर्स्ट क्लास फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो गई है और मैंने इनको कहा है कि पहली मेजर वीडियो जो है इनकी वो कोशिश ये करें कि पूरे घर का होम टूर हो, अच्छे से शूट करेंगे, नए कैमराज वगैरह भी आ गए हैं, सारे इनकी सेटअप की तैयारी है, फ़ोन अभी वीकेंड पे आ जाएगा, कोशिश पूरी जारी है। आई होप आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये काम भी किसी तरीके से कर लेंगे, अपना फैमिली व्लॉग इनका जो है बढ़िया सा बन जाएगा। और बाय द वे अगर आप इस बार, मैं आप लोगों को मैं हर वीडियो के एंड में ये कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, बट आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका चैनल जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन, लाइक एंड शेयर। और कई सारे पता नहीं लोग थोड़े से शरारती होते हैं ना, इनके नाम से ऑलरेडी चैनल खोल दिए हैं, तो ओरिजिनल जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से जाके आप जा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।